नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू अ ऑल न्यू वीडियो. सो इट्स अ गार्डनिंग वीडियो और इस वीडियो में हम प्लांट करने वाले हैं कुछ बल्ब्स. सो बहुत सारे तरीके होते हैं घर में पौधे लगाने के. आप नर्सरी से पौधे खरीद के लेके आ सकते हैं, आप सीड्स से पौधे उगा सकते हैं, या फिर आप प्रोपोगेट कर सकते हैं. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ यू कैन एक्चुअली ग्रो प्लांट्स यूजिंग बल्ब्स. आप इन बल्ब्स से नए पौधे उगा सकते हैं. सो ये बल्ब्स बेसिकली इनसे रूट्स बनती है और फिर ये बल्ब्स आपस में प्रोपोगेट हो जाते हैं. बेसिकली बल्ब आप ऐसा मानिए कि एक सीड है. नॉर्मली सारे प्लांट्स में बल्ब्स नहीं होते, देर आर वेरी लिमिटेड प्लांट्स जिनके अंदर बल्ब्स होते हैं. यहाँ पे आई हैव फोर वैरायटीज ऑफ बल्ब्स. सो इसके अंदर रजनीगंधा है, रेन लिली है एंड टू मोर जिनके मुझे नाम नहीं याद, बट आई विल मेंशन दोज इन द वीडियो. सो आई एम गोइंग टू सो दीज बल्ब्स नाउ. और मैं ये सारे बल्ब्स को उगाने वाली हूँ मटकों में. सो मेरे पास में काफी सारे मटके रखे हैं, ऊपर को ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा निकाल के मैं ये मटके में ग्रो करूंगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मटके का ऊपर वाला हिस्सा निकालने के लिए आप चाहें तो उनको गीला कर सकते हैं, इससे थोड़े कम मटके को टूटने के चांसेस रहते हैं. एंड देन उसके बाद में आपको सिंपली मटके को लेना है और आपको जिस एरिया से उसको तोड़ना है आप उधर पहले छेद करना चालू करेंगे. सो बेसिकली मैं यहाँ पे इसका 1/4 पार्ट तोड़ रही हूँ एंड यहाँ पे मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ एक सिंपल हथौड़ी और एक नेल कील. एंड यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के अंदर मैं ये छेद कर रही हूँ और फिर बाद में जब इनको तोड़ना होगा तो मैं बेसिकली इन छेद से इनको तोड़ना चालू करूँगी और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा. और ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकल के आ गया है. यहाँ पे हल्का सा ये मटका इधर से भी टूटा है ज़्यादा, बट देन ठीक है, हमें इसके अंदर पौधा लगाना है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब मैं जो एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए छेद करने हैं वो मैं नीचे की ओर करूँगी. मैं यहाँ पे 5 से 6 छेद कर रही हूँ क्योंकि ये छेद काफ़ी छोटे हैं. अगर आप चाहें तो सिर्फ एक बड़ा छेद भी कर सकते हैं. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे मिट्टी के लिए यूज़ किया है होममेड कंपोस्ट और जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो, और मैं ये सिंपली इन मटकों में डाल के इनमें बल्ब प्लांट करूँगी. अब मिट्टी डालने के बाद में नाउ इट्स द टाइम कि हम बल्ब्स को इन गमलों में लगाएं. सो बल्ब को लगाने का तरीका होता है कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी सी रूट्स दिखेगी, मतलब समझिए कि अगर ये प्याज है तो ये प्याज का ऊपर का हिस्सा और ये जो नीचे का हिस्सा है ये मिट्टी की तरफ रहता है और ये हल्का सा बाहर की तरफ, मतलब ये मिट्टी में ऊपर की तरफ रहता है. और मैं एग्जैक्टली इसी तरीके से इन बल्ब को इस गमले के अंदर प्लांट करने वाली. और मैं यहाँ पे एक गमले में 2 बल्ब प्लांट कर रही हूँ, 2 बल्ब जो सेम तरीके के हैं. अब मैं इन सारे पॉट्स को ऐसी जगह पे रखने वाली हूँ जहाँ पे दिन की बहुत ही हार्श सनलाइट डायरेक्ट इनके ऊपर ना गिरे. सो मेरे यहाँ पे ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ. जो दिन की सूरज की किरणें होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और इस केस में जब भी आप कोई नया पौधा लगाते हो वो किरणें ऐसे पौधों के लिए अच्छी नहीं होती. तो बेसिकली अगर इनको सुबह और शाम की धूप मिले थोड़ी बहुत तो ठीक है, उसके अलावा इतनी धूप की इनको अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है. सो हम इसको किसी इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखने वाले.
So that was it for the video. If you have liked the video, then please make sure you subscribe to my channel, press the like button below the video, share this with your friends and family. And yeah, that was it. I will see you soon in the next video. Bye, take care.